हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहाँ ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बर्गर किंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सर्वाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके मां बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला। लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने US की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बुला।